हेलो एंड नमस्कार एवरीवन मेरा नाम है दीपाली कॉल मेरे चैनल इमरामा टारो पे आने के लिए थैंक यू सो मच आप में जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं पहली बार मेरी रीडिंग चेकआउट कर रहे हैं वेलकम लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अब देखिए ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट टेन डेज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ मार्च टू टेंथ ऑफ मार्च आइए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो के लिए क्या लव मैसेजेस है फॉर द नेक्स्ट टेन डेज फर्स्ट टू टेंथ मार्च लियो के लिए लव मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो के लिए लव मैसेजेस फर्स्ट टू टेंथ मार्च लव मैसेजेस फॉर लियो फर्स्ट टू टेंथ मार्च ओके वेरी नाइस आ, लियो देखिए हमारे पास है जस्टिस जेमिना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे हमारे पास है टू ऑफ कप स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे एंड हमारे पास है फोर ऑफ सोर्ड्स अगेन जेमिना लिब्रा एक्वेरियस जेमिना या लिब्रा या एक्वेरियस काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपकी रीडिंग में अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट टेन डेज में ना आपको थोड़ा सा अपना परसेप्शन चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है अपने रिलेशनशिप से uh, के रिगार्डिंग कनेक्शन uh, के रिगार्डिंग प्यार मोहब्बत मैरिज जिसमें भी आप हैं जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है बट थोड़ा सा अपना परसेप्शन अपनी ऑब्जेक्टिविटी थोड़ा सा बैलेंस्ड करने की जरूरत है थोड़ा सा इक्वल अप्रोच रखने की जरूरत है uh, हो सकता है uh, आप एफर्ट ले रहे हो बट अभी आपने दूसरे को ये कन्वे ना करा हो कि तुम भी एफर्ट लो आपको दूसरे को ये बताना पड़ेगा कि इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट जरूरी होते हैं रिश्ते को बढ़ाने के लिए या हो सकता है दूसरा इंसान एफर्ट लेता हो आप ना लेते हो तो इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट जरूरी है इस रिलेशनशिप में बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है कि थोड़ा मैं आगे बढ़ू थोड़ा तुम आगे बढ़ो या तो आप नहीं बढ़ रहे थे सिर्फ दूसरा इंसान बढ़ रहा था इसलिए चीजें शायद थोड़ी सी डगमग हो रही होंगी या फिर दूसरा इंसान नहीं बढ़ रहा था सिर्फ आप बढ़ रहे थे तो इसलिए शायद थोड़ी सी चीजें डगमग हो रही होंगी बट बैलेंस्ड अप्रोच दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा कि दूसरा इंसान जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है वेयर एग्जैक्टली इज द पर्सन कमिंग फ्रॉम दूसरा जो बताने की कोशिश कर रहा है समझाने की कोशिश कर रहा है उसके जो एक्शन है उसके पीछे की वजह क्या है थोड़ा सा वो आपको चीज देखनी पड़ सकती है फर्स्ट टू टेंथ मार्च में टू ऑफ कप्स है हमारे पास कोई कनेक्शन uh, प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है लॉन्ग टर्म कनेक्शन आता दिख रहा है फिजिकल uh, कंपैटिबिलिटी दिख रही है इमोशनल कंपैटिबिलिटी दिख रही है स्पाइसेस या कैंसर या स्कॉपियो के साथ आपका काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे फोर ऑफ सोच है देखिए जेम एंड लिब्राक्वे सोच बहुत रहे हैं आप सोच बहुत रहे हैं कोई डिसीजन आपने अपने रिलेशनशिप को लेकर पास में लिया था शायद आ, उसको लेकर सोच रहे हैं रि कर रहे हैं रिसेंट पास्ट में रि कर रहे हैं कि जो मैंने करा क्या वो ठीक करा क्या वो मुझे करना चाहिए था क्या वो मुझे नहीं करना चाहिए था आ, अभी कॉन्टेप्लेशन चल रहा है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए मुझे किस तरफ जाना चाहिए यू नो लाइक थोड़ा सा वैसी चीज सोचना बहुत है कि Uh, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ uh, क्या मैं दूसरे इंसान को सही तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ तो डिसीजन को लेकर रीवैल्युएशन है एंड कॉन्टम्प्लेन है देखते हैं हर एक जोरिया क्या फील करता है इंटेंशन एनर्जीज लियो एरिज की क्या इंटेंशन है एनर्जीज है फीलिंग्स हैं टूवर्ड्स लियो ऑल डिसमेंट वॉर रिवर्सल फॉर द ग्रेट स्ट कमिंग योर वे Uh, अगर आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं लियो तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पास्ट में जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप में आई थिंक वो एक रिहर्सल हो रही थी ताकि आप इस इंसान के लिए प्रिपेयर हो पाओ ये जो ग्रेट स्टफ एक एक कहते हैं ना एक आउट ऑफ द वर्ल्ड रिलेशनशिप जो बहुत ही अच्छा आप उसको वैल्यू कर पाओ चेरिश कर पाओ एक फाइनल एक्ट के लिए रिहर्सल चल रही थी तो इस इंसान के साथ एरीज आपके लिए एक इस तरीके के कंपेनियन होंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वैसा बाई बार मुझे टॉरस की क्या इंटेंशन है क्या एनर्जीज हैं क्या फीलिंग्स हैं लियो थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है बट शॉर्ट टर्म कोई शॉर्ट टर्म या फ्लिंग या हुकअप टाइप बट कोई बहुत लॉन्ग टर्म चीज मुझे नहीं दिख रही है जेमिनाय uh, ओके आई uh, थिंक अगर आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं तो उनको आप बिल्कुल परफेक्ट लगते हो फॉर अ पार्टनर फॉर अ कंपेनियन उनको लगता है कि आप में वो सारी खूबियां हैं जो एक कंपेनियन एक पार्टनर में होनी चाहिए एक रिश्ता निभाने के लिए जो चीजें एक क्वालिटीज चाहिए होती हैं वो आप में है कैंसर की क्या इंटेंशन एनर्जीज फीलिंग्स टूवर्ड्स लियो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है लव हैव टू मीन नियर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या हो सकता है आ, कहीं दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में आ, आगे शिफ्ट होने वाले हैं या वैसे कुछ हो सकता है आ, कहीं और जॉब लग रही है बट प्यार कम नहीं हो रहा है दूरिया होने के बावजूद प्यार कम नहीं हो रहा है इनफैक्ट इनके हिसाब से डिस्टेंस का कोई लेना देना ही नहीं है प्यार से एंड एक्चुअली में होना भी ऐसे ही चाहिए लियो की क्या इंटेंशन है एनर्जीज हैं टुवर्ड्स लियो कुछ हटके कर सकते हैं कुछ सरप्राइज दे सकते हैं कोई ऐसी आउट ऑफ कंफर्ट जोन है इनकी वो भी चीज हो सकती है वर्गो की क्या इंटेंशन है क्या एनर्जीज हैं टूवर्ड्स लियो स्टार्ट वे यू आर आई थिंक थोड़ा सा इनिशियशन की प्रॉब्लम है पहल करने की दिक्कत है यहाँ पे आई थिंक यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ना इनिशिएट कर लीजिए एंड देन चीजें अपने आप जगह पे बैठती जाएंगी ठीक है तो आई थिंक वगो आपकी तरफ आना चाहते हैं बट वो पहला कदम भी नहीं ले पा रहे हैं अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं वो एक कदम आपकी तरफ बढ़े एंड आई थिंक आप उनमें से हैं कि आप उनको अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगे बट वो एक कदम भी नहीं ले पा रहे हैं वो आपको बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो आपको पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ना स्टार्ट करने की क्या इंटेंशन एनर्जीज फीलिंग्स टूवर्ड्स लियो पकर आप बॉटर कप लव मैगनेट आई थिंक लीब्रा खींचे चले आ रहे हैं आपकी तरफ आ, या शायद हो सकता है आप भी लिब्रा की तरफ खींचे चले आ रहे हो बट लव मैग्नेट बनते दिख रहे हैं मुझे आप में से कोई अट्रैक्ट हो रहा है एक इंसान दूसरे की तरफ खिंचे चले जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है लीब्रा आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं स्कॉर्पियो की क्या इंटेंशन है फीलिंग्स है एनर्जीज है टुवर्ड्स लियो आपके आसपास ऑल देयर इज टू लव है ऑल अलोंग स्कॉर्पियो एंड लियो आप दोनों एक दूसरे के आसपास ही हैं नजर उठा के शायद दोस्त हैं एक दूसरे को उस नजर से देखते नहीं हैं बट जिस तरीके का प्यार रिलेशनशिप कनेक्शन चाहिए वो इंसान आसपास ही है साजिटेरियस की क्या इंटेंशन है क्या एनर्जीज है टुवर्ड्स लियो साजिटेरियस आपके साथ आपकी जिंदगी में आपका आपकी जिंदगी का पार्ट बनना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं लव इज द रीजन हो सकता है आपको ये लगता हो कि यार ये इंसान क्यों है मेरे साथ क्यों मुझसे बात करता है प्यार लव इज द रीजन केप्रिकॉन की क्या इंटेंशन है क्या एनर्जीज हैं क्या फीलिंग्स हैं थ्रुवर्ड्स लियो क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव आई थिंक केप्रिकॉन आपकी तरफ आना चाहते हैं बढ़ना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं आपको प्रपोज करना चाहते हैं आपकी जिंदगी का पार्ट बनना चाहते हैं बट उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन नहीं करे हो आपको मूव ऑन करने की जरूरत है लियो आप आ, शायद अपने किसी पुराने एक्स से पुराने रिलेशनशिप मैरिज से बाहर नहीं निकले अभी तक एंड इस वजह से शायद केप्रिकॉन को जगह नहीं मिल रही है ठीक है तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी स्पेस अगर आप चाहते हैं कि केप्रिकॉन न्यू लव आपकी लाइफ में आए Aquarius की क्या इंटेंशन है फीलिंग्स एनर्जीज टुवर्ड्स लियो चोज यू एक्वेरीज आपको चूज कर रहे हैं अपनी फैमिली के ओवर एंड अब आपको चूज कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के, के आगे वो आपको चूज कर रहे हैं कोई और ऑप्शन है शायद उसके आगे भी वो आपको चूज कर रहे हैं कोई भी सामने रखा जाए वो उसके वर्सेस आपको चूज कर रहे हैं पाइसिस की क्या इंटेंशन है क्या फीलिंग्स हैं क्या एनर्जीज हैं टू वर्ड्स लियो हब्बा हब्बा सोल फोल कनेक्शन Pisces और आप आ, हो सकता है मिले नहीं हो अभी तक मिलने वाले हो या ऑलरेडी दूसरे के लाइफ में हो बट आप दोनों का सोल टू सोल कनेक्शन है ऐसे कनेक्शन बहुत रेयरली होते हैं जहां पे फिजिकली में भी आप बहुत टाइम बाद मिलो लो बट सोल आप दोनों के पहले ही कनेक्ट हो चुके होते हैं तो वो थोड़ी सी वाइब है यहाँ पे पाइसेज की तरफ से बट यस मोरल मेरे पास यही मैसेज थे यूनिवर्स की तरफ से लियो अगर आपको रीडिंग पसंद आए यू नो दिल करिए वीडियो शेयर करिए कॉमेंट करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरों को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का थैंक यू बाय